तो यार हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल विकास क्रिएशन। आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल पे। तो यार गाइस, कल है कि 26 जनवरी और आज है 25 जनवरी। तो यार हम सोचे हैं कि जो हमारा बगल वाला गांव है जहाँ की संथाल बच्चा लोग रहता है, तो यार हम 26 जनवरी जब भी मनाते हैं तो हम सब बच्चों को पता है कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, बट जो बगल वाले गांव का जो संथाल बच्चा है उसको क्या पता कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। उन्हें तो बस इतना पता है कि जिलेबी मिलता है, जाना है, देखना है क्या होता है, उसको क्या होता नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं। तो यार हम सोचे हैं कि आज जाते हैं उनका गाँव। यार गाइस, जितने भी वो सब बच्चे हैं संथाल, उस सबको पता है कि साल में दो बार हम लोग को जलेबी मिलता है, मगर उसको ये पता नहीं है कि क्यों मिलता है, किस लिए मिलता है। अगर हम उसको उसका हाथ में अगर झंडा दे के समझाएंगे कि इसी के लिए मिलता है और क्यों मिलता है, तब उसको जिंदगी भर याद रहेगा। जब भी वो रोड में कहीं झंडा अगर गिरा हुआ भी देख लेगा तो उसको सबसे पहले वो बच्चा उठाएगा, उसको याद रहेगा कि ये झंडा को किसी ने दिया था। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चा लोग को समझाएं कि झंडा को रिस्पेक्ट करें, क्यों 26 जनवरी मनाते हैं और क्यों 15 अगस्त मनाते हैं। यार मैं यही सब के लिए जा रहा हूँ, आज हम लोग बच्चे को देखने जा रहा हूँ उनको क्या रिएक्शन होता है झंडा देने के बाद। यार आपसे भी निवेदन है कि आपसे जितना हो सके आप उतना करें, बच्चे लोग को आप भी झंडा दें और समझाएं अपने अगल बगल का। यार अभी उसका गाँव जाते हैं, सभी बच्चे को हम झंडा देंगे और उसको समझाएंगे कि क्यों मनाते हैं 26 जनवरी, और सभी को समझाएंगे अच्छे तरह से क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, और ताकि उसको कोई भी तरह का तकलीफ ना हो, उसको समझ में आए क्यों मनाते हैं, ये झंडा क्या है नहीं है। इधर का सभी स्कूल का बच्चा जानते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, बट वो संथाल बच्चा लोग को पता नहीं है। तो अभी उसका गांव जाके आज 25 जनवरी को उन लोग को दे देंगे झंडा, समझा देंगे कि कल 26 जनवरी जब भी कहीं बगल वाले स्कूल में अगर झंडा फहराया जाता है तो वहाँ जाओ, अब उन लोगों का हमारा झंडा सीधा रखना चाहिए, सभी बच्चे अपने झंडा लेके वहाँ स्कूल पर पहुँचे। अभी उस बच्चे के गांव जाएंगे, उसको समझा देंगे, हम अपना लैंग्वेज में उन लोग को समझा देंगे जैसे कि वो सब बच्चे लोग समझ जाए, आपको भी दिखेगा वहाँ कि बच्चे लोग को समझा रहे हैं। तो अभी जाते सबसे पहले हम झंडा लेते हैं और उन बच्चे लोग को देते हैं, देखते हैं उन लोग का रिएक्शन क्या होता है, क्या उसको इस नया चीज़ के बारे में जान के कैसा लगेगा। चलिए यार अभी सबसे पहले जाते हैं झंडा खरीदने और फिर जाएंगे उधर। सर पे ये केसरी रंग सजाया है, मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू।
सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरजू, केसरी ओ हीर मेरी। तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरजू। चुके अपना घर, तो यार आप लोग से भी जितना हो सके उतना आप लोग भी बच्चा लोग को समझाइए कि झंडा से हम लोग क्या होता है, नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर जगह जाके झंडा दें, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना तो आप जा सकते हैं और दे सकते हैं, बच्चा लोग को समझा सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें कि क्या समझा वीडियो से, यार हम लोग को क्या करना चाहिए, और हमको इस वीडियो में और क्या करना चाहिए, और अपना लाइफ स्टाइल में क्या करना चाहिए, यह कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यार अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा तो लाइक कर दें, नहीं माने तो लाइक मत करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, हम अपना आईडी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप लोग से जितना हो सके आप लोग उतना कीजिए, अच्छा होगा, सभी बच्चे जानेंगे कि झंडा से क्या होता है, नहीं होता है।